कौशाम्बी और प्रतापगढ़ आदि जिलों में इसकी लोकेशन मुखबिरों द्वारा बताई गई, वहाँ पर टीमें गई थीं, मगर ये हाथ नहीं आया। इसीलिए 25,000 की नाम की धनराशि को 50,000 किया गया है। अगर यह बदमाश किसी मुठभेड़ में घायल होता है या मारा जाता है तो ये जो इनाम की धनराशि है ये नियमानुसार प्रॉपर जांच पूरी करके जो भी सत्यता होगी उसके आधार पे लोगों को प्रदान किया जाएगा। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ आदि जिलों में इसकी लोकेशन मुखबिरों द्वारा बताई गई, वहाँ पर टीमें गई थीं, मगर ये हाथ नहीं आया। इसीलिए 25,000 की नाम की धनराशि को 50,000 किया गया है। अगर यह बदमाश किसी मुठभेड़ में घायल होता है या मारा जाता है तो ये जो इनाम की धनराशि है ये नियमानुसार प्रॉपर जांच पूरी करके जो भी सत्यता होगी उसके आधार पे लोगों को प्रदान किया जाएगा।